हैप्पीएस्ट माइंड। इंडिया के अंदर आईटी सर्विसेज की बात करते हैं तो पूरे ग्लोबली इसको जाना जाता है, और हैप्पीएस्ट माइंड इंडिया के अंदर एक बहुत ही तेजी से ग्रो करने वाला आईटी कंपनी के हिसाब से जाना जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में, जानेंगे कंपनी के पास क्लाइंट बेस किस तरह से ग्रो हो रहा है, साथ ही साथ कंपनी के पास जो स्टाफ का कैपेसिटी है वो किस तरह से कंपनी ग्रो कर रहे हैं, और फ्यूचर ग्रोथ किस तरह से नजर आ रहा है हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड का जियोग्राफी वाइज रेवेन्यू की बात करिए तो अमेरिका के ऊपर कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो है 65.7%। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका के ऊपर हैप्पीएस्ट माइंड यहाँ पे डिपेंडेंट है। हालांकि हैप्पीएस्ट माइंड ही नहीं, बाकी भी आईटी कंपनी देखेंगे तो अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिपेंडेंट है, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर खास बात यह है ये जो डिपेंडेंसी है वो बहुत तेजी से इंडिया के ऊपर मूव कर रहे हैं, जो फ्यूचर के लिए हैप्पीएस्ट माइंड के लिए बहुत बढ़िया है। यूरोप की बात करें तो 10.4% वहाँ से रेवेन्यू आता है, इंडिया की बात करें 16.2% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 7.8% का रेवेन्यू यहाँ पे अर्न करते हैं। कंपनी के अंदर मिलियन डॉलर कस्टमर की बात करें तो फाइनेंशियल 2020 में कंपनी के पास मिलियन डॉलर जो कस्टमर था वो 25 के आसपास हुआ करता था, उसके पास फाइनेंशियल 2021 में 26 एंड लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार 38 मिलियन डॉलर कस्टमर हो गया है। तो कस्टमर के हिसाब से, क्लाइंट के हिसाब से हैप्पीएस्ट माइंड बहुत ही तेजी से यहाँ पे ग्रो कर रहा है। अगर आप रेवेन्यू वाइज क्लाइंट के ऊपर डिपेंडेंसी देखते हैं तो वो थोड़ा सा यहाँ पे डाइवर्सिफाइड कंपनी को करना पड़ सकता है, क्योंकि जो कंपनी के पास नंबर वन क्लाइंट है जो सबसे ज्यादा पे करते हैं, जो करीब करीब 12.6% रेवेन्यू कंपनी को अर्न करके देते हैं, वो नंबर वन क्लाइंट है। उसके बाद टॉप 5 क्लाइंट से कंपनी को जो रेवेन्यू अर्न होता है वो 30.7% है, टॉप 10 की बात करें तो वहां से कंपनी का 44.1% एंड टॉप 20 क्लाइंट से कंपनी का 60.6% रेवेन्यू अर्न होता है। तो कंपेयर करते हैं दूसरा कुछ आईटी कंपनीज के कंपनी से तो यहां पे हैप्पीएस्ट माइंड जो टॉप क्लाइंट्स है उसके ऊपर थोड़ा सा डिपेंडेंसी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी क्लाइंट कंपनी को छोड़ के जाता है तो कंपनी के लिए वो सडनली इफेक्ट हो सकता है। छोटा छोटा क्लाइंट छोड़ के जाता है तो कंपनी के ऊपर उतना इफेक्ट नहीं होता है, बड़ा क्लाइंट छोड़ के जाने के बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। तो हालांकि कंपनी के पास 206 एक्टिव क्लाइंट है, लेकिन टॉप 20 जो क्लाइंट है उसके ऊपर ही कंपनी 60% रेवेन्यू अर्न करते हैं, तो इसको आपको भूलना नहीं चाहिए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कंपनी यहाँ पे कौन कौन सा कंट्री के ऊपर कितना डिपेंडेंट है, तो परसेंटेज वाइज आप देख पा रहे हैं कि कहाँ पे ग्रो हो रहा है कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर स्लाइड आप ध्यान से देखिए, क्योंकि 2020 में यूएसए से कंपनी जो रेवेन्यू अर्न करता था वो 77.5% था, वो कम होकर 21 में कितना हो गया 73.4% और 22 में कम होकर कितना हुआ 66.4%। तो आप देख पा रहे हैं कि यूएसए के ऊपर हैप्पीएस्ट माइंड जिस तरह से निर्भर है वो कंपनी धीरे धीरे कम कर रहा है। और साथ ही साथ आप इंडिया के ऊपर भी नजर रखिए, जहाँ पे 11.9% हुआ करता था फाइनेंशियल 2020 में, वो अभी 14.1% में आ गया। यूरोप के अंदर भी आप देखिए वहाँ पे भी ग्रोथ है बहुत ही अच्छी तरह से, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी कंपनी 3.4% से 9% में आ गया है। तो इसका मतलब क्या है कि हैप्पीएस्ट माइंड अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाइड कर रहा है, इसीलिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंपनी यहाँ पे नया नया कंट्रीज यहाँ पे एक्वायर कर रहा है, कंपनी के अंदर कंट्रीज के अंदर अपना बिजनेस को एक्वायर कर रहे हैं, साथ ही साथ इंडिया के अंदर भी कंपनी बहुत ही अच्छी तरह से अपने बिजनेस को स्टेबल कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है हैप्पीएस्ट माइंड के लिए। अभी बात करते हैं कंपनी का क्लाइंट्स को लेके, तो यहाँ पे मिलियन डॉलर जो क्लाइंट्स के उसके बारे में ही यहाँ पे बात किया गया है। तो जो 10 मिलियन डॉलर, जैसे मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि जो 10 मिलियन डॉलर कंपनी के पास जो कस्टमर है वो कंपनी के पास एक ही है और बहुत पहले से ही एक इसने मेंटेन करके रखा है। 5 to 10 मिलियन डॉलर कस्टमर की बात करिए तो यहाँ पे फाइनेंशियल 2020 में कोई एक भी नहीं था, उसके बाद 3 हुआ, उसके बाद 4 हुआ। 3 to 5 मिलियन डॉलर की बात करें तो वहाँ पे पहले 9 हुआ करता था फाइनेंशियल 2020 में, वो यहाँ पे 8 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 4 यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, जो अच्छी बात है।
अभी $1 million to $3 million की बात करें, वहाँ यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर 20 में कंपनी के पास 15 क्लाइंट हुआ करता था, उसके बाद 16 हुआ 21 में, उसके बाद 22 में कितना हुआ 25। तो बेहतरीन ग्रोथ छोटे छोटे क्लाइंट के अंदर कंपनी दिखा रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो टोटल कितना बन गया, यहाँ पे टोटल हो गया है 38। इसका मतलब हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर $38 million कस्टमर हो गया है, जो लास्ट ईयर था 26। तो यहाँ पे कंपनी 12 क्लाइंट्स यहाँ पे इंक्रीज किया है। साथ ही साथ हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर और एक जो अच्छी बात आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कंपनी का जो फिक्स प्राइस है, और कुछ प्राइस आता है ऐसा है जो मूव होता रहता है, तो कंपनी का जो फिक्स प्राइस है यहाँ पे वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, परसेंटेज वाइज आप देखते हैं तो इंक्रीज हो रहा है। तो उसके अंदर अच्छी बात क्या है, तो इस पर्टिकुलर कुछ प्रोडक्ट के अंदर व कुछ सर्विस के अंदर कंपनी को बार्गेन नहीं करना पड़ता है, तो फिक्स प्राइस में आ जाता है, तो कंपनी वो उस पर्टिकुलर जगह पे कंपनी स्टेबल रह सकता है। हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर जो एक्टिव क्लाइंट्स है उसको भी आप कंपेयर करेंगे तो वो भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि फाइनेंशियल 2020 में कंपनी के पास 157 एक्टिव क्लाइंट हुआ करता था, यानी कि टोटल क्लाइंट की मैं बात कर रहा हूँ। 21 में कितना हो गया 173, अभी लेटेस्ट जो साल गया वहाँ पे हुआ 206। तो हर एक साल के अंदर यहाँ पे ग्रोथ आपको दिखाई देगा। इवन क्वार्टर आप कंपेयर करते हैं तो हर क्वार्टर के अंदर हैप्पीएस्ट माइंड अपना जो नया नया क्लाइंट है वो लगातार अपने कंपनी के अंदर ऐड कर रहे हैं। $1 billion कॉर्पोरेशन ऑफ कस्टमर्स की बात करें, वहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से कंपनी इसको ग्रो कर रहा है। अगर आप इंडिया के अंदर आईटी सेक्टर की बात करें तो TCS के बाद हैप्पीएस्ट माइंड एक ऐसा कंपनी है जहां पे कंपनी वुमेन्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप स्टाफ की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार 26.4% स्टाफ आपका वुमेन्स ही देखने को मिलेगा। और इसके अंदर अच्छी बात यह है कि फाइनेंशियल और 2020 में ये 24% था, उसके बाद 24.5%, अभी ये 26.4% है। और मैनेजमेंट का ये कहना है कि वुमेन्स को लेके कंपनी जो रेशियो है वो लगातार इंक्रीज करने का कोशिश यहाँ पे जारी रहेगा। TCS भी इसी तरह से वुमेन्स को लेके बहुत ही पॉजिटिव है अपने कंपनी के अंदर। तो अगर आपको लगता है कि हैप्पीएस्ट माइंड फ्यूचर में भी ऐसा रिजल्ट डिक्लेयर करता रहेगा, इस तरह से कंपनी आगे भी ग्रो करता रहेगा, तो आपको इसके अंदर निवेश करना चाहिए। अभी रिसेंट कंडीशन में जिस तरह से कंपनी सिचुएशन में अभी खड़ा है, वहाँ पे कंपनी के पास बहुत सारा जो प्रोजेक्ट है उस कंपनी को मिला है, कंपनी अपना जो कस्टमर बेस है उसको बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। कंपनी के स्टाफ की बात करें वहाँ पे भी कंपनी स्टाफ यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि जो एट्रिशन रेशियो है वो भी कंपनी यहाँ पे कम करने का कोशिश करेगा। मार्जिन भी आप देखे होंगे कंपनी का, वो कंपनी का स्टेबल रह गया है। अगर आप दूसरे आईटी कंपनी से कंपेयर करते हैं तो बाकी कंपनीज में मार्जिन यहाँ पे फिसल गया है, लेकिन हैप्पीएस्ट माइंड एक ऐसा कंपनी है जहाँ पे मार्जिन कंपनी ने स्टेबल रखने में सक्षम हो चुके हैं। तो ये कुछ अच्छी बात है हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर। नेगेटिव बात यही है कि कंपनी का वैल्यूएशन, इतना अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद भी कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा दिखाई दे रहा है, तो अगर आप इसके अंदर निवेश करेंगे तो वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए ही आपको निवेश करना चाहिए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन एक शेयर आपको दिखाई देगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.